तो 10 बजे रात कभी मम्मी कॉल नहीं करती थी, तो अचानक 10 बजे रात में मम्मी कॉल की, तो मुझे तो समझ में नहीं है कि आज इतना रात में मम्मी क्यों कॉल कर रही है, अभी तो मैं सो रहा था। तो कॉल मैंने रिसीव किया तो मम्मी बोले कि क्या कर रहा था, तो मैं बोला कि सो रहा था, तो मैं बोले खाना खा लिया, हम मैं बोला हाँ मैं खाना खा लिया और सो रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप कि गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आ गया हूँ एक अच्छा सा वीडियो लेकर, और आज मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ अपने बारे में। तो आप लोग एंड तक ब्लॉग में बने रहेगा, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं रोज़ की तरह ब्लॉग छत में शूट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जहाँ मैं रोज़ ब्लॉग शूट करता हूँ वहीं पर अभी हूँ। तो फ्रेंड्स हुआ कुछ मेरे साथ ऐसा कि मैंने रात में, जब मैं रात में सोया हुआ था तकरीबन 10 बजे हुए होंगे, तो खाना वाना खा के आराम से सो गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात के 10 बजे अचानक कॉल आता है घर से, गांव से कॉल आया। मैं तो यहाँ पे आप लोग को पता ही है बाहर में रहता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो घर से कॉल आया और मम्मी बोली कि क्या कर रहा है, तो मैं बोले कि कुछ नहीं खाना खा के अभी सो रहा था। तो मम्मी बोला कि बोली कि खाना खा लिया, क्या बनाया था। तो मैंने कुछ बात की, उसके बाद मम्मी बोलती है कि कहाँ गया था। तो मैंने बोला कि कहाँ गए गए हैं। तो मैं बोले कि नहीं सो, तुमको जंगल में देखे थे। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने सोचने लगा कि यार मैं कौन सा जंगल में गया हूँ, मम्मी कौन जंगल की बात कर रही है। पापा ही बोले कि हाँ कौन सा जंगल में गया था, और अकेले अकेले बोल रहा था। मम्मी बोले कि अकेले पागलों के जैसा बोल रहा था। मेरे तो समझ में है कि यार कौन जंगल में मैं गया हूँ, और मम्मी किस जंगल की बात कर रही है, कहाँ देखी है। सोचने लगा, मेरा दिमाग तो ब्लैंक हो गया पूरा कि कहाँ का बात कर रही है मम्मी की। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, आप लोग गांव में, मैं यहाँ पे हूँ, तो आप लोग कौन गांव में, मुझे कहाँ देखे हैं, किसी और को आप लोगों ने देखा होगा। तो मम्मी बोली से नहीं, मोबाइल में संदीप दिखा दिया है कि तुम कि मतलब किसी से बात कर रहा था, तो पता नहीं कहाँ बात कर रहा था। तो मैं सोचा कि संदीप दिखा दिया, कहाँ दिखा दिया। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया, मैंने सोचा कि कहीं यूट्यूब में वीडियो मेरा तो वो सब नहीं देख लिए। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ पापा का मोबाइल का जीमेल मेरे पास भी, तो मेरा फ़ोन में भी है। तब मम्मी को मैंने बोला कि आपने कहाँ देखा। तो मम्मी बोला कि संदीप मुझे यूट्यूब में दिखा दिया है वीडियो कि तुम एक जंगल में पागलों के जैसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। तो मम्मी तो गांव से है, उनको इस सब के बारे में, ब्लॉग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो तो मुझे बोला कि किससे बात कर रहा था, क्या हो गया था, तुमको अकेले अकेले बात कर रहा था, तबीयत ठीक है ना। तो मैंने बोला हाँ मेरी तबीयत ठीक है, वो कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पर वीडियो शूट वगैरह करता हूँ, तो वही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मम्मी बोले ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, इससे क्या होता है। तो मम्मी को मैंने बताया कि इसे यूट्यूब के बारे में ऐसे ऐसा यूट्यूब में होता है। तो मम्मी बोली कि ये सब छोड़ो, पढ़ाई करो, ये सब में ध्यान मत दो। पापा बोले कि क्या तुम कर रहा है, पढ़ना छोड़ के वो सब मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो अभी मम्मी और पापा को उतना कुछ पता नहीं है कि क्या होता है यूट्यूब, क्या इसमें क्या होता है नहीं होता है। जब हाथ में कुछ आता है ना यूट्यूब से, तभी पता चलता है कि यूट्यूब होता क्या है। तो कोई नहीं, तो घर में मैंने सबको समझाया कि ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर फिर भी अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आप लोग को बताना चाह रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो कुछ इस तरह मेरे साथ हुआ था। तो मैं दरअसल गया तो एक बार कन्हेरी पहाड़, जहां का आप वीडियो में बना चुका हूं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो वही उसी वीडियो को मम्मी ने देखा था, तो वही वीडियो को लेकर मम्मी बोल रही थी कि कहाँ तुम गया था, कि जंगल में चारों तरफ घना जंगल है और तुम वहाँ पर अकेले घूम रहा था। तो मैं अकेले नहीं था, अपन दोस्तों के साथ में था, बट मम्मी शायद पता नहीं कहाँ से देख ली थी, बोल रही थी कि अकेले। तो कोई नहीं, तो मैं अभी फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो जो पापा का जीमेल है उसको मैं खोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से मैंने वीडियो देख लिया अपना वाला, तो पापा के फ़ोन में भी वीडियो अपने आप तो चले जाएगा, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसीलिए मैं वो जीमेल अभी बंद कर दूँ, उसको खोलना वोलना नहीं है। तो पापा फिर से सुबह कॉल किए थे, तो बोले कि पढ़ाई में भी ध्यान दो, कर रहा है ठीक है बट पढ़ाई में भी ध्यान दो, एक ही चीज़ में लगे मत रहो। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगा। तो गैस यही था और कुछ नहीं, और अभी शाम का टाइम हो रहा है गैस, आप लोग देख सकते हैं कैसा मौसम है। तो गैस आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ।